महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के यशस्वी कप्तान। धोनी की कप्तानी में टीम ने आईपीएल 2023 का अपना आखिरी होम लीग मैच खेल लिया है और इस मैच में उन्हें हार मिली और इस हार के बाद धोनी ने तमाम मुद्दों पर बात की। उन्होंने साफ कहा कि इस हार के लिए किसी को दोष देना ठीक नहीं होगा। धोनी ने कहा, ये उन दिनों में से एक था जहां आप टॉस जीतते हैं, पहले बैटिंग करते हैं और दूसरी पारी की पहली गेंद पड़ते ही समझ जाते हैं कि ये 180 का विकेट था। मुझे नहीं लगता कि पहले बैटिंग करते हुए हम 180 के करीब भी थे। मुझे लगता है कि उससे काफी अंतर आया। अगर आप पहली और दूसरी पारी की तुलना करेंगे तो पहली पारी में स्पिनर्स के लिए काफी कुछ था और इसी में हम फंस गए। मैं सोचता हूँ कि इस हार के लिए किसी को दोष नहीं दे सकते। धोनी ने यह भी कहा कि उसके चलते कई बार टॉस जीतकर कोई फैसला लेना ट्रिकी हो जाता है। धोनी बोले, जब भी उसके बारे में आप निश्चित नहीं होते तब टॉस पर कोई फैसला लेकर ना ट्रिकी हो जाता है। और जैसा कि मैंने कहा, आप टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला करते हैं और आपको बाद में पता चलता है कि दूसरी पारी में उस नहीं आई। उनके स्पिनर्स के खिलाफ 150 चेज करना भी मुश्किल होता, इसलिए हम इस हार के लिए किसी बैटर या बॉलर को दोष नहीं दे सकते। उन लोगों ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की लेकिन हालात का गेम पर बड़ा असर पड़ा। इस सीजन सीएसके के लिए शिवम दुबे कमाल की बैटिंग कर रहे हैं और मैच के बाद धोनी ने इस बारे में भी बात की। इस बारे में उनसे सवाल हुआ तो धोनी ने इस बारे में कोई डिटेल देने से मना करते हुए कहा, देखिए हमने बहुत सारी बातें की हैं लेकिन हमने उनसे क्या कहा, ये ड्रेसिंग रूम में ही रहना चाहिए, किन एरियाज में उन्हें काम करना चाहिए। हम उनकी बैटिंग से काफ़ी खुश हैं और उनके लिए ये महत्वपूर्ण होगा कि वो गेम द गेम बेहतर करना जारी रहे, ना कि अभी तक की परफॉर्मेंस से संतुष्ट होकर बैठ जाए। धोनी ने दीपक चाहर की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, वो ऐसे व्यक्ति हैं जो गेंद को स्विंग कराते हैं और उन्हें गेम का आइडिया भी रहता है कि फील्डर्स किधर रखने हैं और वो उसी के हिसाब से बॉलिंग करते हैं। वो जाहिर तौर पर टीम के लिए महत्वपूर्ण है। कई बार मैं सोचता हूँ कि वो बहुत अनुभवी है और उनके समझ आ जाता है कि अगर गेंद स्विंग ना हो रही हो तो कौन सी लेंथ पर बॉलिंग की जाए, क्योंकि जब आपके पास बोर्ड पर बहुत रन नहीं होते तो आपको थोड़ा स्मार्ट होना होता है। जब एक बार आप देखते हैं कि दीपक को स्विंग नहीं मिल रही तो पता चल जाता है कि किसी को स्विंग नहीं मिलेगी। मैच में धोनी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था और उन्होंने मैच के बाद जरूर सोचा होगा कि काश वो ये टॉस हार जाते, क्योंकि टॉस के ही वक्त नीतीश राणा बोले थे कि टॉस जीतते तो वो भी पहले बैटिंग लेते। खैर, टॉस के बाद धोनी की टीम ने लंबे वक्त तक बहुत धीमी बैटिंग की और उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। टीम 20 ओवर्स में 144 रन ही बना पाई। शिवम दुबे 48 रन बनाकर नाबाद रहे और कोई भी बल्लेबाज उनके करीब नहीं पहुंच पाया। जवाब में केकेआर के लिए कप्तान नीतीश राणा और रिंकू सिंह ने 50 जड़ी और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 4 विकेट खोकर जीत के लिए जरूरी रन बना लिए। रिंकू सिंह को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।